हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने मेरा पुराना वीडियो जो कि मैंने जस्ट अपलोड किया, इस वीडियो को अपलोड करने से पहले जिसमें बताया कि मैंने कंटेक्स्ट की एक्चुअली हुआ क्या था, तो अगर आप वो देखा नहीं तो प्लीज़ आप वो देख लीजिए एक बार, तो आपको पूरा कंटेक्स्ट समझ में आ जाएगा। लेकिन जिन्होंने नहीं देखना है तो फिर मैं यहीं से करता हूँ कंटिन्यू अपना। वालपराय में 2 दिन रहने के बाद वहाँ पे सारे व्यू जितने भी थे मेरे दिमाग में जितने सब लेने के बाद, अंकल जी से नमस्ते करते हुए मैं निकलता हूँ यहाँ से VLP होम स्टे से। तो मेरा रूम था जो था ये विंडो जो है वहाँ की तरफ था, और फिर मैं वहीं से निकलता हूँ। तो ये मतलब तो रिचेबल लोकेशन है, मैं आपको लिंक भी दे दूंगा अगर आपको चाहिए तो। ओके, प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा इसका कि कहाँ पे रुकना है स्टे, और इट्स अ रीजनेबल प्राइस था। ओके, और अंकल जी वेरी गुड, वेरी हम्बल, और उनका जो बेटा है वो भी बहुत मतलब भी अच्छा फ्रेंडली है भाई। तो वहीं से फिर मैं निकलने के बाद फिर वालपराय के टी या कॉफ़ी एस्टेट से होते हुए सीधे पहुंचता हूं आपका शोया डैम के रास्ते की तरफ, और फिर तमिलनाडु केरला का आपका बॉर्डर पड़ेगा रास्ते में। तो फिर मैं वहीं पर केरला का जो चेक पोस्ट है, तो वहीं से फिर मेरे को एक किसी पे नहीं थी जिसमें मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, मेरी गाड़ी का नंबर था, यहाँ पे डिटेल पूरी पूरी उन लोगों के पास आ जाती है कि अगर रास्ते में किसी कुछ होता है तो कम से कम वो लोग फैमिली को इन्फॉर्म कर सकें। तो ये तो था कि अतिरपल्ली फॉल देखना, लेकिन ये पता नहीं था मुझको कि मैं सोलो राइड कर रहा हूँ तो मुझे कुछ पंगा होगा कि नहीं होगा। देख सकते हो आप यहाँ पे ये सब राइडर आ तो रहे हैं, लेकिन ये सबके सब राइडर आपके ग्रुप है। आइदर आपका रॉयल एनफील्ड का पूरा ग्रुप है, या फिर आपका ये एक्सपल्स का ग्रुप है, या फिर इस तरह की सारी बाइक्स का एक ग्रुप है। तो वो लोग जाते हैं, तो 5-6 लोग होते हैं तो अच्छा लगता है और सेफ भी लगता है। क्यों? क्योंकि अगर कोई प्रॉब्लम होती तो बाकी बंदे आपके साथ में है। लेकिन मैं सो राइड करते करते यहाँ पे ये फंस गया था। तो देख लो आप, यहाँ पर जब मैं जाता हूँ तो आप 30 किलोमीटर घुमा के देख लो वीडियो। इस पूरे रास्ते में 50 किलोमीटर पूरा रास्ता था ये, वहाँ से चेक पोस्ट से लेकर आपका ये अराउंड 50 किलोमीटर था ये पूरे चेक पोस्ट से लेकर आपका अतिरपल्ली फॉल तक। तो मोस्टली जगह 30 किलोमीटर करीब सिर्फ मैं ही मेरा था रास्ते में था। और ये कोई हाईवे नहीं है कि मैं तेज गाड़ी चला लूँ, मुझे गाड़ी चलानी नॉर्मल स्पीड में, क्योंकि आपके बीच बीच में आपके जो पत्थर टूटे फूटे पड़े हुए हैं, रास्ते में आपका पेड़ गिरा हुआ है, कहीं कहीं पे आपका शिट पड़ी हुई है एलिफेंट की। ओके, रास्ते रास्ते में तो मेरे को डर लग रहा है, ऐसा तो नहीं कि यहीं से एलिफेंट जैसा भी गुजरा है, तो फिर बहुत टफ होने वाला है। क्योंकि मैं अभी देख सकते हो अब सिर्फ अकेले चला रहा हूँ गाड़ी यहाँ पर पूरे जंगल के अंदर, और ये बहुत डर लग रहा था मुझको सीरियसली। मतलब कि ये कह सकता हूँ कि मेरी वन ऑफ दी मतलब कि ऐसी स्कैरिंग वाली राइड है जो कि मुझे सबसे ज़्यादा स्कैर किया, ड्राइव मुझको ये वही राइड है। ओके, एक ड्राइव मैंने वहाँ पे की थी जब आपका ये केला कंटा ट्रैक में जब मैं गया था मैं, तो वहाँ पे जब बहुत ज़्यादा ठंड थी तो वो वेदर के अकॉर्डिंग था, तो दैट वी कैन मैनेज एनी हाउ, क्योंकि हमें हमारे पास पूरे के पूरे वहाँ पर सब कुछ था कि हमें अगर हीट प्रोड्यूस करनी है तो हमारे पास सिलेंडर था, एक छोटा सिलेंडर जैसे कि हम लोग से जला के आग और हम हाथ सेक सकते हैं। बट यहाँ पर मेरा कंट्रोल नहीं था बिल्कुल भी, यहाँ पर क्या कुछ हो जाए मुझे पता नहीं है। तो अभी रास्ते में आप अगर मुझे पूरी देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि रास्ते में कहीं पर शिट पड़ी है एलिफेंट की। ओके, और यहाँ पे आपके टाइगर, लेपर्ड, ओके, इंडियन गौर जो कि बाइसन से खतरनाक होते हैं, कहीं पे प्रूफ है, वीडियो आप देख सकते हो यूट्यूब पे सर्च करो तो, अगर कि इंडियन गौर वर्सेस अमेरिकन बाइसन, और बताएंगे लोग कि इंडियन गौर जीतेगा क्योंकि वो बहुत 1500 किलो के आसपास आई थिंक, और 8 से 12 फीट के आसपास करीब हो सकते हैं, और खतरनाक फसलर होते हैं। वो वेजिटेबल खाते हैं लेकिन वो बीस्ट होता है जो वेजिटेबल पल खाने वाला वो है भाई। वो मेरी रील्स में भी मैंने अपलोड किया हुआ है इंस्टाग्राम पे, तो अगर आपने मेरी रील्स देखते नहीं हो, इंस्टाग्राम पे फॉलो करते नहीं हो तो फॉलो करना या ना करना कोई बात नहीं, मगर एक वो रील्स देख लो जिसमें मतलब कि मैंने उसको दिखाया हुआ है कि क्या खतरनाक है। ओके, रील आईडी मेरी आ जाए है, शो नहीं कर पाऊँगा, लेकिन __अतुल_पाल__। ओके, तो अभी देख लो आपको जंगल में सिर्फ रास्ते में अकेला अकेला मैं ही चल रहा हूँ यहाँ पर, और तो ठीक है फिर इसमें अभी वीडियो में आप देखिए इस तरीके से कि क्या चल रहा है सब कुछ, और पूरा जंगल जंगल है भाई, तो बहुत डरावना था। तो मैं आपको मिलता हूँ अभी इसमें आगे एक्शन करने के बाद मिलता हूँ। ओके,
वहाँ पे दो लोग मुझे मिले हुए थे, बाकी सारी छोटी बच्ची थी, लेकिन ये लोग जंगल के अंदर नहीं जा रहे थे, जो जंगल से वापस जा रहे थे। और ये तीन लोग कम से कम है, मतलब दो लोग तो कम से कम है, तो कुछ ना कुछ तो मतलब कि होता है ना, एक और 11 होता है। मगर भाई मेरे साथ कोई अलग प्रॉब्लम थी कि मैं सिर्फ अकेले ही राइड कर रहा हूँ यहाँ पर। मैंने उनसे पूछा भी कि अगर किसी को जाना है उस साइड तो मेरे संग बैठ दो, क्योंकि लोकल की हेल्प बेस्ट हेल्प होती है कहीं पे भी जाते हो तो। आप हमेशा लोकल से कंसल्ट करिए कि आपको क्या प्रॉब्लम है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये लोग उस रास्ते पर जा रहे थे बैक, ओके। और तो उन्होंने बताया कि एलिफेंट हाँ मिलता है यहाँ पर, तो अभी जैसे बस दिखाई दी तो मुझे कैसा लगा कि हाँ कुछ लोग वहाँ से आ भी रहे हैं, मैं सही रास्ते पर हूँ। तो ये लोग मिलने के बाद फिर से मतलब कि जंगल फिर वैसे ही हो गया कि अभी कोई नहीं साथ में मेरे, अब फिर मैं जा रहा हूँ। फिर तो मुझे रास्ते में एक दो लोग मिले थे, लेकिन उस समय में इंस्टा 60 काम नहीं किया था, तो वो लोग स्कूटी से आ रहे थे, ओके। मगर एक प्रॉब्लम मेरे संग क्या है यहाँ पर बाइक के साथ, अगर मैं कहूँ, ठीक है, जो RR 310 है उसको एक अच्छा खासा आपका रेडियस चाहिए होता है आपका मतलब कि टर्न करने के लिए। तो अगर मैं स्पीड तेज़ करता हूँ और एकदम सामने कुछ आ जाता है तो मैं अपने को टर्न जल्दी नहीं कर पाऊँगा, राइट। तो मुझे क्या करना होगा, मतलब कि स्पीड भी स्लो रखनी है। लेकिन अगर स्पीड मैंने स्लो रखी तो ये भी कि अगर कोई भी अगर टाइगर लेपर्ड कुछ है जो अटैक करने की सोच रहा है तो मतलब कि वो प्रॉब्लम हो सकती है। बट मेन मैं ये बात कहूँगा कि देखिए करना था, मन में था पूरा थेरापल्ली फॉल कभी ना कभी तो करना था, तो मैं सोचा कि इसको करते हैं कम्प्लीट और जो होगा देखा जाएगा। तो बस यही है कि फैमिली मतलब की जो ब्लेसिंग्स होती है और आप लोगों की जो ब्लेसिंग होती है, जो आप दोस्त लोग हो यहाँ पे सभी, तो उन सब की जो ब्लेसिंग्स होती हैं तो वो कहीं ना कहीं हेल्प तो करती है। तो मुझे लकीली यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ दिखा नहीं, ओके। और मगर जो शिट है एलिफेंट की सब कुछ, तो वो तो रास्ते में आप देखा होगा आपने जो वीडियो में पूरी अभी डाली है, मैं अपलोड करी हुई है, ठीक है। तो उसमें तो आपने देखा ही होगा कि कोई ना कोई मिला है मतलब कि, तो रास्ते में पेड़ वेड़ टूटा हुआ था, वो भी जगह थी। तो यहाँ से मतलब कि ये आपका ये जो कौन सा था वाजाखल जो था आपका, तो ये लोग मुझे मिल गए थे भाई लोग, ठीक है, जाते वक्त जो 5 किलोमीटर पहले मिले थे मुझको, जहाँ पे चेक पोस्ट था आपका वाजाखल वाटरफॉल, ओके, जो कि 5 किलोमीटर पहले 5.5 किलोमीटर पहले करीब पड़ता है आपका अथिरापल्ली वाटरफॉल से। तो अथिरापल्ली वाटरफॉल तो मैं आपको दिखाऊंगा मतलब कि अपने व्लॉग में, ठीक है। इस टाइम पे मतलब कि इतना अच्छा व्यू तो नहीं था उसका, लेकिन बट हाँ ये था कि एक अथिरापल्ली फॉल हम लोगों के दिमाग में रहता कि बाहुबली का फॉल है, जो बाहुबली मूवी जो उसमें था जिसमें VFX यूज़ किए गए थे, तो वो इतना बड़ा भी नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि अच्छा लगता है देखने में अगर आप देख रहे हो उसको तो। और तो यहाँ से फिर मैं सीधे पहुँचता हूँ आपका, तो फिर नेक्स्ट पार्ट में फिर मिलता हूँ मैं आपको, आप देख सकते हो 360 उसको एक्सपीरियंस करने के लिए मैं आपसे कह रहा हूँ बार बार, ओके, क्योंकि वॉइस ओवर करता रहूँगा तो फिर आप एक्सपीरियंस कर नहीं पाओगे।
तो फिर यहाँ पे मैं अतितपल्ली वाटरफॉल पहुँच जाता हूँ, और मैं यहाँ पे फिर अपनी बाइक को फिर पार्क करके फिर मैं, मगर यहाँ पे एक बात और है आपको पता है कि ऐसे जो आपकी RR 310 है वो स्पोर्ट टाइप में, उसके टायर भी जाते हैं स्पोर्ट के लिए बने हुए हैं, रोड पे ट्रैक पे भगाने के लिए, लेकिन ऑफ रोड पे इसके टायर कहीं ना कहीं आपको दिक्कत करेंगे, ओके स्किड होगी आपके किसी की बाइक। लेकिन आपको ये पता हो कि मेरा जो बैग है पूरा पूरा फिलअप है, और अगर आपको पूरा पूरा बैग दिख रहा है कि मैंने कितना फिलअप कर रखा है, और मतलब कि तो मेरी रील्स जो है मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे आप चेक दे सकते हो। तो होता क्या है कि जैसे ही ये यहाँ स्किड तो होता, डर तो लग रहा था मुझको, तो जिन लोगों ने मतलब कि एक जो ग्रुप था जब मैं चेक पोस्ट पे था, तो लोगों ने मेरी हेल्प करी थी पीछे बाइक को मूव करने के लिए, तो वही लोग जाते वक्त ही मुझे मिल गए थे। वो लोग यहीं पे, उन लोगों ने बाइक अपनी पार्क करी हुई थी, और जैसे जब जाते लोग मिले तो मैंने लोगों से कहा कि भाई मतलब कि आप जितने भी सारे लोग हो तो उन सबके भी साथ में चलूंगा। तो उन्होंने बोला कि हम लोग 40-50 की स्पीड रखेंगे, और उन्होंने एक बात तो बताया कि देयर आर मोर चांसेस कि अभी एलिफेंट मिल सके। तो भाई मुझे रिस्क लेना नहीं था, तो जाते वक्त तो फिर मैंने वो पूरे ग्रुप राइडर जो है आपका रॉयल एनफील्ड वाला, जिसमें आपके पास सभी के पास ज़्यादातर मोस्टली रॉयल एनफील्ड क्लासिक और दूसरी बाइक थी, मतलब रॉयल एनफील्ड की ही थी जो कि कंफर्टेबल रहती हैं, तो क्योंकि वो सब मतलब कि आपके राइडर हैं, बहुत पहले से ही राइडर हैं एक्चुअली। तो मैं रॉयल एनफील्ड की बात कर रहा हूँ, अभी R15 की बात नहीं कर रहा। तो उन लोगों के संग ही फिर मैं लास्ट में जब वापस जाता हूँ तभी मैं उन लोगों के साथ में गया था, और फिर यहाँ पर पार्क करने के बाद बाइक अपनी अपना 360 कैमरा निकालने के बाद मैं फिर चलता हूँ सीधे अपने बैक टू पवेलियन, मतलब कि बैक टू अथिरापल्ली वाटरफॉल के देखने के लिए। तो टॉप डाउन व्यू, टॉप और डाउन व्यू दोनों मतलब कि उसके मैंने देखे, ओके, और मतलब ठीक ठीक लगा मुझको, इतना कोई अच्छा लगा नहीं इस टाइम पे, जिस टाइम पे मैं गया था August 14 को, ओके। तो आप देख सकते हो फिर यहाँ से निकाला कैमरा मैंने, और फिर मैं चलता हूँ अथिरापल्ली, और फिर वापस अब जब मैं जा रहा हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे सभी राइडर ग्रुप है आपका रॉयल एनफील्ड का, तो उसमें काफ़ी लोग जो थे वो मैसूर के थे, और उसमें दो बंदे जो हैं वो आपके बैंगलोर के थे। तो फिर उनको मतलब कि फिर लास्ट में अपना मिलने के बाद, पूरा राइड आउट करने के बाद, पूरा जब चेक पोस्ट, उन्होंने मुझे कंफर्म किया कि हाँ अब यहाँ से चेक पोस्ट ख़त्म हो चुका है, तो अब यहाँ पे कोई टेंशन नहीं है, आप देख सकते हो। तो फिर वहाँ से फिर मैं निकला, क्योंकि देखो सो राइड का एक रहता है कि आपका है तो मज़ेदार, किसी का टेंशन नहीं दिमाग में कि कौन कहाँ पे रुकना है, कौन कहाँ पे नहीं रुकना है, ठीक है किसकी प्रॉब्लम क्या है, बस अपना पूरा का पूरा इंडिपेंडेंट बन चलते हो आप लोग। जैसे कि मेरे पास एक क्यूबो का स्मार्ट टायर इन्फ्लेटर है, ओके, टायर पंचर किट है, कुछ प्रॉब्लम होती है तो नट बोल्ट्स सब मैं बैकअप में रखता हूँ कि अगर कोई नट बोल्ट ढीला हो जाए तो कम से कम मैं वो लगा सकूँ। बाइक के नहीं कह रहा मैं कह रहा हूँ कि आपके जो मैंने एक्सेसरी लगा रखी है अलग से, सडल स्टे के लिए सडल बैक हो गया, ठीक है, और आपके ये टॉप रैक के लिए सबके लिए, तो आगे जाके सब चीज़ और मॉडिफाई करूँगा, लेकिन अभी इतनी मॉडिफाइड है बाइक मेरी कि हाँ मतलब कि मेरी टूरिंग वूरिंग आराम से हो जाती है। तो उसके बाद मतलब कि फिर यहाँ से इन लोगों के साथ जाने के बाद फिर मैं निकलता हूँ सीधे अपना वापस, बताता हूँ आगे जाके। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, फिर मैं इनको फाइनली मतलब कि पूरी राइड खत्म होने के बाद और इन लोगों के साथ रहने के बाद, तो ये लोग सब हेल्पफुल हैं, और खासकर एक सर जो हैं वो आई थिंक चिंटू नाम है उनका, ये मुझे नाम याद नहीं आ रहा, सॉरी फॉर दैट, बट वो मेरे ज़्यादातर हमेशा पीछे की तरफ रहते थे कि सपोर्ट करने के लिए कि अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो मेरे को कोई मतलब कि देखने वाला हो। तो दिस इज रियली थैंक्स टू ऑल ऑफ यू टीम, रियली यू पीपल डिजर्व माई रेस्पेक्ट, थैंक यू, थैंक्स इन ऑल, एंड हैव अ ग्रेट लाइफ अहेड टू ऑल ऑफ यू राइडर, थैंक यू।
इनके मतलब कि फिर मतलब कि आपका थैंक्स बोलने के बाद और बाय करने के बाद फिर ये लोग एक्चुअली सोलाया डैम में इनका स्टे था और मेरे को कोयम्बटूर पर पहुँचना था। आदि योगी का जो स्टैचू होता है आपका जो बना रखा है वहाँ पे 3D शो जो होता है उसको देखने के लिए मेरा मन था। तो यहाँ से फिर मैं वापस निकलता हूँ और फिर आप देख सकते हो फिर से मतलब कि अभी सेफ रास्ता है और फिर मैं यहाँ से निकल जाता हूँ वापस और अपना चेक पोस्ट पे एंट्री कराने के बाद कि हाँ मतलब मेरा चेकआउट है अभी चेक पोस्ट से, तो फिर वहीं से फिर मैं वापस निकल लेता हूँ। तो होप आप लोगों को अच्छा लगा Intercity X2 के ये वाले वीडियोज़ में कि आप लोग देख पाए हों कि किस तरीके से मतलब कि जंगल के अंदर सिर्फ मैं ही अकेला था और ये मतलब कि बहुत ज़्यादा डरावना हो सकता था अगर रास्ते में कोई एलिफेंट आता या फिर कुछ भी आ सकता था, टाइगर लेपर्ड। और मेरे भी जो वीडियोस आने वाले हैं तो उसमें मतलब मैंने एक ड्रोन शॉट लिया हुआ है, वॉल पर जाते हैं तो हेयर पिन बैंड पड़ते हैं 40 हेयर पिन बैंड, तो बैंड नंबर 9 से मैंने जो एक शॉट लिया हुआ है तो उसमें आप लोगों से पूछूंगा कि मैं कि एक क्वेश्चन है मेरा, क्या जो भी वाइल्ड लाइफ हैं स्पेशली आपके जो ये वाइल्ड कैट होती हैं जबकि कैट फैमिली जो होते हैं, क्या मोस्टली वो हम लोगों को इग्नोर करते हैं कि जब हम लोग रास्ते पर जा रहे होते हैं हेयर पिन बैंड से होते, क्योंकि एक जगह पर था क्या कि आपका कि मैंने देखा है टाहर एक शीप टाइप का एक होता है, ओके जैसे गाय बकरी होती है ना वैसे होता है मगर थोड़ा डिफरेंट टाइप का होता है, शीप टाइप का था टाहर, लेकिन जब मैं ड्रोन को अपने उड़ाया था तब तो वो दिखाई दिया था मुझको, मैंने अपने मोबाइल से थोड़ा बहुत कैप्चर किया था लेकिन इतना अच्छा नहीं वीडियो बन पाया था क्योंकि जूम ज़्यादा अच्छा नहीं हो पाया था। लेकिन वहीं पर ही जब मैं ड्रोन को वापस लेके आ रहा था तो मुझे लगा कि एक कैट फैमिली जो है उस हेयरपिन बैंड नंबर 9 के ऊपर कहीं ना कहीं वो दो कैट फैमिली के मतलब दो मेंबर कैट फैमिली के वो दिखाई दिए थे मुझको ड्रोन के अंदर। तो होपफुली मैं आपको वो अपने वीडियोस में दिखाने की कोशिश करूंगा और ट्राई करूंगा कि जूम और हो सके जैसे कि आप लोगों को और अच्छा लगे। तो जब तक के लिए मतलब थोड़ा वेट करिए और मैं जल्दी ही अपलोड करूँगा लेकिन आने के आसपास तक, और फिर देखते हैं फिर वाला आपको कैसे लगता है। और बाकी जो वाल प्राय के जो व्यूज़ हैं मतलब कि बहुत ही अच्छा, मैं ट्राई करूँगा आपके लोगों के लिए कि एडिटिंग अच्छी कर सकूँ उसके अंदर। तो थैंक्स ऑल फॉर वॉचिंग और थैंक यू उन सभी राइटर्स को जो कि यहाँ पे ये खड़े हुए हैं देख सकते हो आप लोग, तो इन लोगों ने मेरी बहुत हेल्प करी आते वक्त और ये लोग मेरे साथ में रहे थे। तो इसी लाइक इसी आई थिंक इसी बाइकर कम्युनिटी को मैं कहता हूँ कि हाँ मेरी रेस्पेक्ट है कि जो हेल्प करते हैं दूसरे बाइकर्स की भी, ओके ऐसा ना मतलब कि अपने अपने चले जा रहे हैं मतलब बगल में कुछ हो भी रहा है तब भी कुछ दिख रहे हैं हमें निकलना है सेफ, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप बाइकर हो या फिर आप एक ह्यूमन हो तो कम से कम आपको जो दूसरा ह्यूमन है उसकी हेल्प करनी चाहिए अगर वो प्रॉब्लम फंसा हुआ है तो, और नहीं फंसा हुआ है तो पूछ लो से एक बार कि हाँ कुछ हेल्प चाहिए क्या। ओके मैं भी करता हूँ मगर रिकॉर्ड नहीं करता क्योंकि रिकॉर्ड होता भी है तो मतलब कि मेरे पर काफ़ी सारे वीडियो ऐसे पड़े हुए हैं जैसे मतलब कि अगर मैं अपलोड करूँगा तो उसमें लाइव एक्सीडेंट हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, मतलब लाइव सीन मतलब कि जहाँ पे बाइक और कार मतलब कि एकदम जस्ट कॉलेप्स हुई है। बट नेगेटिविटी मतलब कि नहीं चाहता मैं फैलाना या ये कह सकूँ आप कुछ लोग कहेंगे रियलिटी लेकर आओ भाई इसके अंदर वीडियो के अंदर, तो देखो रियलिटी मतलब कि ऐसी ना हो कि आपको स्केयर कर दे, लेकिन तब भी मैं कहना चाहूँगा कि आपको ये पार्ट जो था ये मेरे आउट ऑफ कंट्रोल था, किसी फॉरेस्ट के अंदर जाना और वहाँ से घूमते हुए मतलब कि आप अथिरापल्ली फॉल पहुँचना, क्योंकि रास्ते में कुछ भी हो सकता है, कोई भी जानवर कभी भी आ सकता है सामने या पीछे से कोई अटैक करना चाहे, तो हमेशा मतलब कि ये ट्राई करो कि जो साथ में आपकी कार जा रही है उसको फॉलो करो, उसके साथ रहो या ट्रक के साथ फॉलो करो, खासकर हेयरपिन बैंड पे भी ट्रक को फॉलो करो और अपनी राइड को सेफली सक्सेसफुली मतलब कि अच्छे से कंप्लीट करो। थैंक्स।